हाय वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज मुकेश एंड आपका स्वागत है मेरे इस नए सीरीज में एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड यू मी एंड ट्रेड। आज जो टॉपिक्स है वो ऑल इंडेक्सेस नाउ चेंजिंग डायरेक्शंस, ऑल इंडेक्स आर चेंजिंग डायरेक्शंस नाउ एंड दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी गिव यूज एंड मनी एंड मनी एंड मनी दैट्स रीजंस आई रॉट हियर मनी मेकिंग डायरेक्शंस राइट राइट टाइम टू ट्रेड नाउ। अभी जो लगातार मीन्स जिस तरह के ट्रेड्स हैं, जैसे लास्ट वन वीक में जिस तरह का ट्रेंडिंग रहा और ट्रेंडिंग्स के बाद जो मार्केट सा अब थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड मार्केट हुई और इस मार्केट में किस तरीके से काम करना है और मार्केट में कंप्लीट रूप से डायरेक्शंस भी चेंज हो रहा है राइट। अब रेसिस्टेंस से थोड़ा थोड़ा नीचे सपोर्ट्स रेंज की तरफ में शिफ्ट हो रहा है और यही मौका है जहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ट्रेंड को समझ के आप ट्रेडिंग कर सकते हो और ये डायरेक्शंस इस तरीके के बन रहा है और इस डायरेक्शंस में ही आप अच्छे तरीके से पैसे भी कमा सकते हो। और ये जो डायरेक्शंस होता है जो बहुत ही फ्रूटफुल डायरेक्शंस होता है, उसका रीजन ये है कि सेम टाइम में आपको दो ट्रेडिंग मिल जाते हैं और बहुत लॉन्ग लॉन्ग ट्रेडिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं इसे एक दिन पहले की बात करूं, जैसे यहाँ से एक ऐसा ट्रेड मिला, उसके बाद लगातार थोड़ा कंसोलिडेट किया है यहाँ पे एक ही जगह पे। अगर आप इसको अवॉइड कर रहे हो तो एक लास्ट में यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, फिर सडनली डाउन हुआ है। दैट इज अ वेरी बिग यू नो अपॉर्चुनिटी फॉर हियर टू मेक अ मनी फ्रॉम हियर्स। नाउ अगर इलेवेंस की बात करूँ, फ्रॉम हियर्स टू हियर्स एंड अगेन हियर्स टू हियर्स, तो ये दो, एक यहाँ पे ट्रेड मिला बहुत बड़ा, एक ट्रेड यहाँ पे मिला। अगर इसको भी एक मानते हो तो एक यहाँ पे भी ट्रेड्स मिला हुआ है। अब अगर आप ऑल इंडेक्सेस नाउ डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, इफ यू वांट टू लर्न एंड मनी मेकिंग डायरेक्शंस, देन ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का ये काम कर रहा है। अभी ये जो चार्ट देख रहे हो ये क्रूड ऑयल का चार्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। मैं साथ ही आपका वो जो एक ट्रेड है यहाँ से यहाँ तक वो बन चुका है। इस ट्रेड्स में मैं मुझे नहीं आना, इसलिए मैं थोड़ा सा इस चार्ट्स में जा रहा हूँ। कुड बी कमिंग डाउन, लेट मी चेक, लीव इट। नाउ चलते हैं अब यहाँ पे। अगर आप हमारे लगातार वीडियोज को आप देख रहे हो और वो ये जानना भी चाह रहे हो और जो भी डायरेक्शंस आप देख रहे हो वो सारे डायरेक्शंस पे मैंने बात किया, फिर भी मैं वन डे के चार्ट्स पे लेके चलता हूँ आपको, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आपको क्या समझ में अभी आ रहा है। अगर मैं इसी डायरेक्शंस को यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला चीज़ को मैंने लीक किया और वो आपको वहाँ पे जाके समझ में आएगा, मैंने इसको पिकअप क्यों किया है। राइट राइट, चलो बैंक एक्स पे देखते हैं। और बैंक एक्स में मैंने जिस तरह से बताया, हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक ट्रायंगुलर शेप है जिस पे हमें काम करना होता है और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपको उस ट्रायंगुलर शेप पे अगर आप काम करते हो तो शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेट्स एग्जांपल, ये क्या ट्रायंगुलर शेप बना रहा है क्या? ये लगभग बन चुका है राइट। तो अगर ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है तो दैट मीन्स क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अब डायरेक्शन चेंज कर रहा है और डायरेक्शन नीचे की तरफ में जाने वाला है। सो इट कुड बी कम टू दिस प्लेस राइट। अगर हम फिनिचर्स की बात करें तो देन वी कैन चेक राइट हियर्स, आपको यहाँ पे भी वही चीज दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, मैं इसी डायरेक्शन से चेक कर रहा हूँ, ये यहाँ से अप, यहाँ से डाउन और फिर यहाँ से अब देखोगे तो ये डायरेक्शन ट्रायंगुलर शेप्स बना रहा है। ट्रायंगुलर शेप इज सेइंग इज गोइंग डाउन राइट। अगेन आई एम बैंक निफ्टी, आई एम सेइंग इज दिस बैंक निफ्टी सेइंग इज सेम थिंग्स। व्हाट इज सेइंग इज दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप इज देयर from here to here and going down here and going up here right. This is a just a triangular shape. That triangular shape is saying is, hey man, I'm going to change my directions. If you all want to capture, you can capture it out right. तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्या करने वाले हैं। Now इसी तरह से अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में थोड़ा सा जो शिफ्टिंग है वो थोड़ा स्लो है, बट इस शिफ्टिंग इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली ट्रायंगुलर शेप्स। नाउ इज द ट्रायंगुलर शेप्स, अगेन वी कैन जनरेट हियर्स, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
फिर यहाँ से यहाँ देखोगे कि ट्रायंगल शेप सी बन रहा है और वो नीचे के डायरेक्शन को शो करता है। नाउ अगर सेंसेक्स की बात करूँ तो देन बोथ आर सेम्स बिकॉज निफ्टी एंड सेंसेक्स इज द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी चेंज एंड द पैटर्न इज सेम राइट। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दैट मीन्स डायरेक्शन इज गोइंग टू बी चेंज दैट मीन्स दिस इज द आवर्स ट्रेडिंग जोन्स। व्हाट आई एम सेइंग इज आवर ट्रेडिंग जोन। अगर आपको ये डायरेक्शन समझ में आ रहा है और ये भी समझ में आ गया कि आप डायरेक्शन किस तरफ को जाने वाला है तो आपको ये चीज जरूर समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड किस तरह से चेंज होने वाला है। अब कल क्या हो सकता है, अब हम सीधा 5 मिनट के चार्ट पे चले। आपसे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल्स स्किल्स और प्रॉफिटेबिलिटीज की अगर बात करूँ, अगर आप उसको चेंज करते हो 5 मिनट की जगह पे आप 10 मिनट्स को लेते हो तो आपको एक तो ग्लिच नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होते हैं रुकने का या फिर उसमें ट्रेडिंग्स में किस तरह से काम हो सके वहाँ पे अगर कोई इशूज होता है, तो इस तरह का अगर 10 मिनट में आप चलते हैं तो आपको शायद बहुत कम प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होता है। कभी कभी 5 मिनट्स में इतना ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ग्लिचिंग्स दिखते हैं, तो आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे एग्जांपल अभी ये ट्रायंगल शेप्स को मैं हटा रहा हूँ जो हमने बनाया था उसमें, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों चुना और मैं बार बार ऐसा क्यों बता रहा हूँ राइट। आप देखो 5 मिनट के चार्ट में हमें क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल आज 11 था ना, तो इसको आप देखोगे यहाँ पे फिर एक ऊपर गया फिर नीचे गया और ये डायरेक्शंस आपको जो परफेक्ट जो ट्रेडिंग्स जो दिया है वो टाइमिंग वो स्टार्टिंग फ्रॉम द 9:40 राइट। अब हम इसको 10 मिनट्स में लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा राइट, ये यहाँ से यहाँ नीचे तो आया है। अब जो क्या दिखा है यहाँ से यहाँ, अब जो ये ट्रेड है ना कम्प्लीटली ग्लिच, आपका कम्प्लीट फिनिश, नाउ ऑल द ग्लिच इज फिनिश इज हियर राइट। और ये 9:45 पे आपको एक ट्रेड सीख चुका है, और अगर यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी ले सकते हो और ये 9:45 पे ट्रेड आपको मिल चुका है। ऐसे आपको ट्रेड अगर हम 10 मिनट्स की जगह 5 मिनट्स में देंगे तो ट्रेड आपको यहाँ पे 9:40 पे मिल रहा है और यहाँ पे हमें 9:45 पे मिल रहा है, और 9:45 पे जो ट्रेड्स मिल रहा है आपको ये समझ में आ गया ये परफेक्ट ट्रेड्स है जो आपको यहाँ पे किसी तरह का ग्लिचिंग नहीं दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल ट्रेड में आपको यहाँ पे कोई किसी तरह का ग्लिचिंग आपको नहीं दिख रहा है राइट, देन आपको ये ट्रेड्स बहुत परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। सेंसेक्स में अगर हम यहाँ से देखें जो ग्लिचिंग्स 145 पे दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके दिख रहा है, यही मैं 5 मिनट्स में लेके आऊँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आता है यार मैं यहाँ पे करूँ तो क्या करूँ राइट, क्योंकि ये बना फ्री अगेन ग्रीन बन रहा है फिर एक रेड बन रहा है फिर ग्रीन बन रहा है फिर रेड बन रहा है, और ये कंप्लीट कन्फ्यूजन में क्रिएट करता है जब आप ट्रेड्स के टाइम पे रहते हो। तो जैसे एग्जाम्पल अगर 10 मिनट में ले रहे तो आपको एक ग्लिचिंग्स थोड़ा सा एकदम कम्प्लीटली फिनिश हो जा रहा है, ये भी ग्लिचिंग नहीं बना रहा है, आप बहुत तब तक रुको कि जब कुछ दिख रहा है, देन अगेन ये गोइंग डाउन राइट। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो तो ये दैट इज अ परफेक्ट राइट टाइम फ्रेम आई वुड से। आप इसको अगर बैक टेस्ट में भी करके देखोगे तो 10 मिनट का जो टाइम फ्रेम्स है इज अ परफेक्ट टाइम फ्रेम्स राइट आई वुड से। सो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें इस चीज को हमने क्यों लिया राइट। उसी तरह से निफ्टी की अगर बात करूँ और 10 मिनट्स में मैं कह रहा हूँ चाने को, तो 10 मिनट्स में मैंने आपको ये दिखा दिया कि ट्रायंगुलर शेप बन चुका है। 10 मिनट्स में भी अगर आप जाओगे तो इसमें भी आपको एक बहुत परफेक्ट टाइमिंग फ्रेम्स के बाद यहाँ से दिख रहा है ऊपर जा रहा है, फिर हो सकता है ये ग्लिचिंग्स जो हमें दिखा रहा है यहाँ पे हम कुछ ना करें, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, ना ही करें तो बेहतर होता है। उसके बाद हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है नियर अबाउट इस जगह पे भी, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 12:35 पे, और अगेन 13:15 पे मिल रहा है जो एक अच्छा खासा ट्रेंड है। उसके बाद अगर डाउनवर्ड्स की तरफ में जा रहा है एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मिला है। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो वो भी आपको यहीं पे ट्रेड्स मिलते हुए बहुत परफेक्ट ट्रेडिंग की तरफ किया हुआ है, तो आपको एक ज़बरदस्त तरीके का ट्रेंड मिल चुका है, और मैं यही बोलूँगा कि आपको एक परफेक्ट राइट ट्रेड हमें मिल रहा है और यहाँ पे किसी तरह का कोई ग्लिचिंग्स नहीं दिख रहा है राइट। अब अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेट्स एग्जांपल यहाँ आपने लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा, फिर यहाँ से देखे होंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और रही सभी किसी का होगा क्योंकि मेरे
कुछ लॉसेस थे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कवर कर लिया। और फिर निफ्टी की बात करूँ तो सेम सिमिलर है, जैसे कि बैंक एक्स जो बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो तीनों का पैटर्न लगभग सेम होता है, और निफ्टी ऑन साइसेस की बात करूँ तो तीनों का पैटर्न भी सेम होता है, राइट। इसी तरह से बैंक एक्स का भी हमने दिखाया कि नियर अबाउट पैटर्न सेम है, आपको दिखेगा भी सेम। अब करना क्या है? नाउ कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, बट मैं एक्सपायरी की अब कोई बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो अपने जगह पे है और मैं उस पर काम करता भी हूँ नहीं भी करता हूँ, दोनों तरह के हेल्प आपको मिल सकते हैं, बट मेरा थोड़ा टारगेट डिफरेंस होता है इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। कल अगर पैटर्न्स देखें नियर अबाउट, अब पैटर्न्स देखोगे आप तो जैसे मैंने 15 मिनट्स का पैटर्न लिया है बैंक एक्स का, तो ये जो हमें पैटर्न दिखा रहा है वो नियर अबाउट आपको लगभग थोड़ा सा परफेक्ट ही दिखा रहा है। उसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ से देखें एक नीचे तरफ की तरफ में आया जो हम 10th ऑफ जून की बात करें, फिर अगेन इस लाइन्स को टच किया है, फिर अगेन नीचे आया, राइट। और ये अगर हम देखें तो इसी लाइन्स के नीचे बाउंड क्रॉस करते हुए फिर अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, बट इस लाइन्स को टच जरूर किया, वो नीचे एक बार आया है, राइट, और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश किया और दिस लाइन इज गोइंग टू बी टच। नाउ फिर अगर यहाँ से नीचे आए तो इसी लाइन्स को टच क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ गया है। सिमिलरली अगर फिर निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ है जो आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। एक ये देखो फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे अगर आया है तो नीचे आने के बाद फिर रिट्रेसमेंट्स, अगर हम ये देखें कि ये इसी जगह पे मूवमेंट्स एक थोड़ा सा लिए फिर इसको टच करते हुए नीचे के डायरेक्शन में गया। बैंक निफ्टी में भी देयर इज द सेम पैटर्न्स। अब अगर इस तीनों पैटर्न्स की बात करूँ तो कल क्या कर सकता है, राइट। कल का अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहला एक तो गैप डाउन अगर खुलते हैं तो गैप डाउन आपको ये यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कि इस लाइंस पे अगर मैं इसका गैप देखूं तो नियर अबाउट 95 का, और गैप अप एंड गैप डाउन जो होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कल कितने का गैप अप एंड गैप डाउन खुल सकता है। उसी के थोड़े बहुत होते हैं ऊपर नीचे, बट मैं वो भी आपको बताऊँगा कि वह कैसे होता है, इट्स वेरी ईजी, राइट। चलिए खुल जाओ भाई, राइट 93, दैट मींस ये गैप डाउन्स बहुत बड़ा कल खुलने वाला है, बट दिस इज नॉट द ट्रू एंड ट्रूथ इज, हम इस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते बिकॉज इट्स 11th ऑफ जून का है। जब ये कल ओपन होगा 8:30 और 8:30 8:40 के बीच में आपको ये कंप्लीट जो भी फिगर्स आपको दिखाएगा सिमिलरली उसी का उसी के 5% के ऊपर नीचे होते हैं, और उसी से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना गैप अप कितना गैप डाउन्स यहाँ पे खुलने वाला है। सपोज ये अगर ये गैप डाउन्स बहुत ज़्यादा नीचे खुलता भी है 100 पॉइंट्स का नियर अबाउट, तो आपको एक गैप अप वहाँ पे सडनली बनेगा और हो सकता है इस लाइन्स को टच करते हुए अगेन आपको 10 मिनट में 4 मिनट ऊपर के डायरेक्शन को टच करेगा, करने की कोशिश करेगा और वहाँ से फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो चीज़ होगा पार्ट में नियर अबाउट जो होगा यहाँ से 2 बजे के बाद ऊपर जाने की कोशिश करें और 2 बजे के नियर अबाउट में वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करें, ये दो चीज़ें दिखा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी सेंस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो लाइन्स है अगर मैं ये दिखा दूँ यहाँ से मैं हाईलाइटर खोलूँ, ये हो सकता है अगर ये गैप अप गैप डाउन यहाँ से खुले और ये वाला गैप अप गैप डाउन्स खुले तो फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें, फिर थोड़ा सा ये आए, उसके बाद ये आएगा तो ये इसके तरफ यहाँ आने की कोशिश करेगा, फिर ये धीरे 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 करके जो नीचे जाएगा और ये पूरे तरीके से ये कल का गैप जो मेरा है मेरे अंदाज से इस डायरेक्शन को टच करने की कोशिश कर सकता है, राइट। अब आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में फिर निफ्टी में भी वही चीज करने की कोशिश करेगा और बैंक एक्स में भी सेम चीज करने की कोशिश कर सकता है। अब मैं अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, राइट करेक्ट,
अब हम मैं आ रहा हूँ निफ्टी में। निफ्टी में क्या है, इसमें भी जो आपको फैशंस है वो दिखेगा, ये थोड़ा डिफरेंट है राइट। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, जो कल ये करेगा क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा, अगर वन डेली फ्रेम पे चलते हैं, वन डे टाइम फ्रेम्स पे, आपको ये दिखेगा कि इसमें जो गैपिंग है ना बहुत बड़ा नहीं दिखा है राइट, तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। और नीचे अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा, तो ये बहुत बड़ा गैप डाउन नीचे की तरफ में बनाना शुरू करेगा। तो दिस इज द राइट अप्रोच एंड राइट टाइम्स टू टेक द एंट्री राइट। अब हम चलते हैं 10 मिनट्स के चार्ट पे और वहां पे देखते हैं कि क्या हुआ। बट यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट थोड़ा सा बहुत ज्यादा यू नो एक ही सर्कल्स में, अगर नियर वॉच अगर हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स की का रेंज देखें, 156-157 की बात हो रहा है। तो 156-157 में क्या दिख रहा हो, अगर आप यहाँ पे आते हो मीन्स नियर अबाउट 10th को, तो क्या हुआ, एक बहुत नीचे गैप डाउन खुला है राइट, यहाँ तक आए, फिर इसको ऊपर गया, उसके बाद इसी जगह पे घूमता रहा, फिर अगेन इसको टच किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लेके छोड़ दिया, जाने दिया, मैं उसके बाद देखा भी नहीं इस सिस्टम को क्या होता है और चल गया, जो भी मुझे मेरे लॉसेस थे उसको यहाँ पे कवर हुआ, फिर हमारे प्रॉफिट्स यहाँ पे बने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हुआ, आप ये देखोगे कि इसका एक जबरदस्त तरीके का है राइट, ये यहाँ पे है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ बना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको डिलीट करते हैं राइट। चलिए फिर से बनाते हैं, एक बहुत गड़बड़ बना। अगर हम देखें तो ये वाला लाइंस यहाँ बनता है, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बनना, फिर एक लाइंस यहाँ बनना राइट। उसके बाद अगर हम इसके बाद जो वर्ड लगातार यहाँ पे हुआ, दैट मीन्स अगर हम ये देखें, ये वाला जो डाउन्स है वो काफी अच्छा हमें प्रॉफिट्स देके गया। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर एक नीचे आ रहा है, फिर एक ये ऊपर जा रहा है, फिर अगर आप ये देखोगे यहाँ से नीचे गया है। अब ये जो 10 मिनट का चार्ज हमें दिख रहा है ना, और ये जो कैंडल हमें दिख रहा है, ये कैंडल हमें ये कह रहा है बस कल हो सकता है ये जो हमारा गैप डाउन बहुत ज्यादा ना हो, और ये थोड़ा सा अगर होता भी है गैप डाउन, अगेन ये यहाँ से फिर इस लाइन्स पे आके एक बड़ा सा मूवमेंट्स हमें अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ दिखाएगा। बट कल को ये भी हो सकता है कि उसके बाद दिखाने के बाद एक बहुत बड़ी रैली आए जो नीचे डाउन होने के लिए, तभी ये दिखाएगा कि आपका एक डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ ये डायरेक्शंस बन चुका है। अब रही बात की सेंसेक्स की, अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स में भी सिमिलरली सेम फैशन दिख रहा है। तो ये हमें अगर आप सेंसेक्स का भी देखोगे तो नियर अबाउट सेम फैशन में दिख रहा है। आप यहाँ से आए, फिर एक नीचे ऊपर गया, फिर अगेन ये, अब इस यहाँ से फिर एक आज क्या किया, इस लाइन्स को टच करने की कोशिश किया और यहाँ से लगातार नीचे जाने की कोशिश किया। तो दैट मीन्स देर इज अ पैटर्न आर सेम राइट। तो अब कल हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कल ये प्रेडिक्शन करते हैं, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो मुझे लगता है गैप डाउन ज्यादा नहीं इसके नीचे में आएगा। अगर मैं इस लाइन्स को यहाँ पे डालूं तो ये या तो यहाँ पे गैप डाउन ये बन सकते हैं, या फिर गैप इस लाइंस को भी क्रॉस करने की कोशिश करें, टच करें। तो अगर हम इस दोनों की बीच की बात करूँ तो यहाँ से नियर अबाउट 140 टाइम्स का दिख रहा है मुझे यहाँ तक, ये तो जरूर हो सकता है यहाँ तक 86 या 100 का नियर अबाउट आए, और यहीं से आने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आके और यहाँ से फिर मार्केट इस तरफ जाने की कोशिश करें और वहां से फिर नीचे जाने की कोशिश करे। तो एक कल मुझे जहां तक समझ आ रहा है, अगर ये इस लाइंस को क्रॉस करते हुए ये वाले पॉइंट्स को टच कर दे तो दैट मींस परसों मींस थर्सडे को जो मार्केट दिखाएगा वो बहुत बड़ा नीचे गैप डाउन दिखाएगा, नीचे बहुत बड़ा आपको जाते हुए दिखेगा राइट। देन आप ये कह सकते हैं कि मार्केट कंप्लीटली डायरेक्शन अब चेंज करने को तैयार है। बट इसके हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ कि ये मार्केट चेंज डायरेक्शन चेंज करने को तैयार है राइट। इस तो मैं ये कह सकता हूँ कि यस मार्केट इज गोइंग टू बी चेंज द डायरेक्शन। मैंने आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि डायरेक्शन चेंज करने में क्या करेंगे। मैं फिर से एक रिपीट कर देता हूँ, ऊपर से लेके नीचे सेंसेक्स में
कल हो सकता है अगर गैप डाउन्स खुले तो कोई बात नहीं, खुलने दो, आप उसमें इमीडिएटली एंट्री नहीं लोगे। उसके बाद जैसे ही एक थोड़ा सा ऊपर आए 10 मिनट के चार्ट्स में पैटर्न्स में आपको जहां पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा ग्रीन कैंडल्स, यहां पे करे और यहां से जाने की कोशिश करे और लगातार यहां से फिर से जाने की कोशिश करे और ये यहां तक आएगा राइट। अब अगर ये इस यहां से, आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले यहां से थोड़ा सा है, फिर अगेन आपको यू हैव टू वेट, तुरंत आप एंट्री नहीं करोगे। जैसे ही रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होता है 10 मिनट का एक कैंडल्स बनने दोगे, दूसरे कैंडल्स में ही आप एंट्री करोगे, पहले कैंडल्स में आप एंट्री नहीं करोगे जब तक वो ग्रीन कैंडल्स नहीं बनते हैं। अगर उसके बाद दो ग्रीन कैंडल के बाद तीसरा रेड कैंडल सपोज यहाँ से डाउनवर्ड आए, एक रेड कैंडल्स अगेन डाउनवर्ड जाए तो अगेन रेड कैंडल्स बनते हैं, तो ऐसे केस में आपको यहीं से ही नीचे से ऊपर आप यहां से जा सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद निफ्टी में भी मैं आपको वही, निफ्टी में भी सेम पैटर्न एंड सेम फैशन है। आप इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट हो जा रहा है। और उसके बाद ये इसमें क्या हो सकता है, नीचे में अगर यहाँ से गैप डाउन्स खुलते हैं तो ये गैप डाउन्स बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे अंदाज से ये वाला गैप डाउन्स खुलेगा और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये यहाँ से नियर अबाउट अगर ये खुलता है तो हो सकता है 146 और 55 40 का नियर अबाउट गैप डाउन्स खुले और उसके बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करें और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो आपको एंट्री कब लेना है, वेरी सिंपल, एंट्री तब ही लेना है जब आप ये देखोगे गैप डाउन्स खुला राइट। अब फिर वेट करोगे ग्रीन कैंडल्स बनने का, अगर गैप डाउन्स खुलता है एक दो तीन कैंडल्स बनता चला जा रहा है तो आप यू हैव टू बी टेक एंट्री इन फोर डाउनवर्ड साइड। अगर फिर देखते हैं कि नहीं यहीं से लेके थोड़ा सा नीचे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बन रहा है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर दिखा रहे हैं कि इस तरफ में आने की कोशिश ज़रूर करेगा राइट। अगर कोशिश तभी करेगा, हो सकता है नीचे गैप डाउन खुले उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आए और इस पॉइंट से लेके फिर ऊपर पे जाने की कोशिश करेगा, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ से आपको जब भी आपको ऊपर होगा तो आप एंट्री ले लोगे और इस लाइन तक क्रॉस करने की कोशिश करेगा, यहाँ तक वेट कर सकते हैं। बट सडनली मीन्स जितना फास्ट मूवमेंट होगा उस फास्ट मूवमेंट, लेस एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट रहा है और इस फास्ट मूवमेंट्स के बाद आप अपने स्टॉप्स कर लोगे, फिर नेक्स्ट का वेट करोगे तभी ऊपर जाओगे। तो ये फास्ट मूवमेंट का जो आपका प्रीमियम से ना बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, उसके बाद अगर आप करते हो तो बहुत जितना स्लो होगा उतना आपका थीटा डिके होता जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी थोड़ा सा कम होता है, फिर आप एंट्री ले सकते हो। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूँ, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चेंजेस ये होगा कि आपको बैंक निफ्टी में क्या होगा कि मुझे लगती है ये वाला चीज जहाँ से गैप डाउन जो होगा, हो सकता है गैप डाउन यहाँ तक आए, मैं एक दिखा देता हूँ ये लाइंस, ये वाला चीज यहाँ पे, दैट मीन्स ये 49,467 का 49,469 का, दैट मीन्स यहाँ से गेट अराउंड 100 पॉइंट्स के नियर अबाउट मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा 100 पॉइंट 155 नियर अबाउट्स अगर यहाँ पे आता है तो एक वेल एंड गुड, आपको एक अच्छा सा मौका मिल जाएगा। मौका ये मिलेगा कि ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ आया करेक्ट, उसके बाद ये नीचे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद जो अगर यहाँ से दिखेगा आपको तो एक 200-300 पॉइंट्स का नियर अबाउट इसको टच करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ में जाएगा तो वो आपको एक बहुत अच्छा खासा पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट बना के जाएगा राइट। तो सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश किया नहीं बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको कल क्या करने और गैप अप गैप डाउन खुलते हैं, बट इतना याद रहे इस लाइंस को टच करने की जरूर कोशिश करेगा। अगर आपके पास चार्ट में ये लाइंस नहीं ड्रॉ किए हैं तो आप ज़रूर सा कर लो, हो सकता है ये कल आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। हेल्प इसलिए करेगा गैप डाउन होते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आएगा कि इस लाइन को जब तक ये टच ना करे तब तक आप अपर डायरेक्शन को नहीं छोड़ोगे, तो अभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे राइट। चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और होप सो आपको समझ में आ गया। मे बी कल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप उसका देख लेना,
मैं आपको ये वाला चीजें जो लाइंस में बता रहा हूँ, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ऐसा यहाँ तक आएगा, कभी होता है तो बहुत, मैं आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स तो बता ही दे रहा हूँ ना, यहाँ पे कहाँ सपोज इस लाइंस को क्रॉस कर रहे हो, राइट, अगर ये लाइंस को चेक करो, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा तो हो सकता है जरूर करने की कोशिश करेगा, क्या होगा मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे आते हैं फिर इस लाइंस को क्रॉसेस करने की कोशिश करेगा, राइट, ये यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये वाला टच करने की कोशिश करेगा, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट, सारे पॉइंट्स को टच करने की कोशिश किया और आपको लग रहा होगा कि हाँ मैंने टच कर लिया। उसके बाद मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो आपको है, फिर भी आपको जब आप काम कर रहे होगे, जहाँ भी किसी तरह का कोई इश्यूज होते हैं आप डायरेक्टली हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि यहाँ पे इशू है और मैं उस इशूज को जरूर से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट। नेक्स्ट, अगर इफ यू वांट टू जनरेट द प्रॉफिट रेगुलर बेसिस एंड 5000 टू द 1 lakh, 10000 टू द 2 lakhs एंड 1 lakh टू द 25 lakhs इन द 3 months और मेबी 5 months, देन फिल द गूगल फॉर्म्स गिवन लिंक बिलो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम्स। नेक्स्ट आपसे ये कहूंगा कि आपको अगर ये चीजें बहुत अच्छा लगता है तो आप जरूर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है, आप लोगों से बहुत कुछ नहीं चाहिए, अगर आप ये बेल आइकन को दबाते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, एक जरूर से एक अच्छा सा मोटिवेशन बनता है और हम दोनों का बॉन्डिंग बनता है, और इस बॉन्डिंग को और भी आगे बढ़ाने के लिए आपका लाइक होना बहुत जरूरी है। नाउ लास्ट में ये बोलूंगा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, और लास्ट एक चीज और कहना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखो, समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि इधर देखे उधर देखे, आपकी ट्रेडिंग्स जरूर से जरूर बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग्स कंप्लीटली साइकोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं और डायरेक्शंस के ऊपर ही डिपेंड्स होते हैं, अगर डायरेक्शन आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहेगा, राइट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड थैंक्स अ लॉट।